नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 41 इयर्स एक मेल का, और इनके कुछ सवाल है जिसको हम लेंगे बाद में। पहले ओवरऑल एक बार पाम को देख लेते हैं, फिंगर और माउंट को, उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो अगर पहले थंब को देखेंगे तो थंब नॉर्मल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं और बिल्कुल छोटा भी नहीं। ये थंब दिखाती है कि आप में दूसरों को हैंडल करने की या दूसरों से अपने काम करवाने की जो काबिलियत है नॉर्मल सी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें बोलने वाली बात नहीं। व्हील और लॉजिक पावर दोनों ही बराबरी में है, तो आप जिस तरह से लॉजिक के साथ दूसरों से बातें भी करते रहें अच्छी तरह से, उस तरह से आप खुद का काम भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके इंडेक्स फिंगर को देखें तो बहुत ज़्यादा क्रॉक है, लेकिन ये छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जस्ट ये जो सैटर्न है उसकी थर्ड फैलेंस तक पहुँच रही है, तो छोटी अगर इंडेक्स फिंगर हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने इनसे पूछा भी नहीं, ये अपने सक्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद इनको मिली है। इनको अच्छी खासी स्ट्रगल करने के बाद ही सक्सेस मिली है, लेकिन ये पाम बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले का भी है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही इनको सक्सेस मिली है। और यहाँ पे एक मोल जैसी भी है, तो इनको स्ट्रगल के बाद ही इस तरह का पाम में सक्सेस मिलती है। लीडरशिप क्वालिटी रहेगी इनकी मोटा मोटी मीडियम क्वालिटी की रहेगी। बहुत ज़्यादा क्रॉक है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है इंडेक्स फिंगर, उसके कारण बहुत ज़्यादा हाई पावर लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी। उसके ऊपर थंब भी नॉर्मल है, थंब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा नहीं है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी जो इनकी रहेगी दूसरों की ऊपर अपना अफेक्शन दिखाने के लिए या फिर दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता रहती है वो उनमें मीडियम क्वालिटी की रहेगी। इनकी जो सैटर्न की फिंगर है वो लंबी है, अच्छी खासी है, और सन की फिंगर बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इतनी ज़्यादा लंबी होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की टेंडेंसी के इंसान रहते हैं। रिक्स लिए बिना काम करने में इनको कोई मज़ा ही नहीं आती है। इन लोगों को कहिए बोलिए कि कुछ इस तरह का काम है जहाँ पर गैम्बलिंग हो, गैम्बलिंग की तरह एक्साइटमेंट रहे, उस तरीके का काम इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पसंद आएगी। मतलब जैसे कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना, दिन के ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग करना, वहाँ के फ्यूचर में काम करना, ये सारे ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई कोई लोग इस तरह का गैम्बलर भी होते हैं, अगर उनका सन माउंट साथ दे दे तो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं उस टाइम पीरियड में। तो ये सारे इनके इंडिकेशन सन फिंगर से हमें मिल रही है। रिस्की ये काम करने में बहुत ज़्यादा इनको आनंद मिलती है, एक्साइटमेंट ना रहे उस तरीके का काम ये करना नहीं चाहते, बोरिंग फील करते हैं। इन छोटी फिंगर अच्छी खासी लंबाई है, सन की फिंगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा होने के कारण ये सन की थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन छोटी फिंगर अच्छी खासी लंबाई है, तो इनके कम्युनिकेशन में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन में भी ये अच्छी खासी पावरफुल ज़रूर है। अगर मरकरी के माउंट देखें ठीक ठाक है, तो एनालिसिस पावर इनकी अच्छी खासी है। यहाँ से एक छोटी सी मरकरी की लाइन भी उठ रही है, तो मरकरी की लाइन आना और ये मरकरी की फिंगर को भी ठीक ठाक रहना और मरकरी माउंट को भी ठीक देखना, ये दिखाती है कि इनमें एनालिसिस पावर अच्छी खासी है। अकाउंट में ये अच्छी रहेंगे, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं, डेवलप बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल नहीं, लेकिन अच्छी खासी ज़रूर रहेगी। मरकरी के गुण इनमें अच्छी तरह से बात भी कर पाएंगे, अकाउंट्स में भी अपना हिसाब किताब भी ठीक ठाक तरीके से रख पाएंगे, कम्युनिकेशन में भी उनको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर इनकी सन की देखें, सन की माउंट देखें, तो यहाँ पे दो फिश साइन है, इसलिए हम लोगों को दो पाम में जाना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे है, ये मेन लाइन से बनी हुई है, और यहाँ पे एक छोटी सी है जो इंडिविजुअल, इतनी बड़ी चौड़ा नहीं है, मैं हटा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से एक फिश साइन बन रही है, यहाँ पे एक फिश साइन है, और यहाँ पे नीचे एक है जो दूसरी पाम मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिख नहीं रही है क्लियरली। तो ये अगर इस तरह से आपको मेन लाइन में फिश साइन बनती हुई दिखे, तो मेन लाइन जब से शुरू होगी तब से आपको सक्सेस देगी। ये आप इनकी सन की जो फिंगर है ये शुरू हो रही है 50 के बाद, तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस, एक मिनट, इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आफ्टर 50 के बाद ही, इनको बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस मिलेगी ये फिश साइन से, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये फिश साइन अगर इनकी इंडिविजुअल यहीं पे बनती इस तरह से, तो ये जब आती तभी इनको सक्सेस देती। ये अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन ये फिश साइन के कारण नहीं है, ये वाला फिश साइन इनको
बाद में चल के सक्सेस देगी। इसलिए अगर आप किसी को देखेंगे कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उनकी सनमाउंट में फिश साइन है, तो देखिएगा उसका फिश साइन मेन लाइन से इस तरह से बना हुआ है, तो मेन लाइन से बनने वाली और मेन लाइन उनकी इस तरह से ऊपर की तरफ होगी, इसकी जो पूछ होगी वो ऊपर की तरफ होगी। उस एज के पीरियड में नहीं आते हैं इसलिए वो फिश साइन उस टाइम पीरियड में उनको सक्सेस नहीं देती है। इसी के कारण किसी किसी पामर्स देखेंगे आप लोग कि किसी का फिश साइन वो बताते हैं और किसी का फिश साइन वो नहीं बताते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आती है बेसिकली कि एक का फिश साइन क्यों रिज़ल्ट दे रही है, दूसरों को क्यों नहीं दे रही है। मैटर ऐसी है, अगर साइन है तो रिज़ल्ट ज़रूर देगी, सभी को देगी, सभी को एक ही तरह का देगी। लेकिन अगर मेन लाइन से बनती है तो मेन लाइन जहाँ से शुरू होगी तभी से देगी। तो आफ्टर 50 इनकी तो बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। वैसे ही पाम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ से एक लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है। मैं बहुत ढूंढा इसकी एक ब्रांच इस तरफ से जाने की कोशिश है कि नहीं, नहीं मिला। तो आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, आपकी बदनामी होने के चांसेस है। सन की लाइन की कोई ब्रांच अगर सिर्फ सैटर्न की तरफ जाए और मरकरी की भी ना, मरकरी की तरफ ना जाए, इस तरह से ना जाए, मतलब एक ट्राइडेंट फॉर्मेशन ना हो, अगर सिर्फ इस तरह से हो तो उन लोगों की बदनामी की चांसेस रहते हैं। उन लोगों को बदनामी होती है, चाहे वो काम के जगह हो, सोसाइटी में हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन बदनामी की चांसेस तो उन लोगों को रहते हैं। इसके लिए थोड़ा आप संभाल के रहिएगा। सन की जो दूसरी फीस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो आपको यहाँ से दिखेगी। देखिए ये भी करीब करीब मेन लाइन से ही जुड़ी हुई है, एकदम नीचे, लेकिन ये उतनी ज़्यादा मेन लाइन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। इस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी, उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं जितनी मैं ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे राउंड करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे भी एक और एक फिश साइन बन रही है। ये फिश साइन इनको समय से पहले ज़रूर देगी, मतलब ये जब से आया है तब से इनको थोड़ी बहुत अच्छी खासी सक्सेस दे दिए है ज़रूर। इसी के कारण और बाकी पाम की ओवरऑल सिचुएशन के कारण मैं इनको बता पाया कि ओवरऑल फिनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही अच्छी है, तो उन्होंने माना है हाँ ओवरऑल फिनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन की यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन भी बन रही है, दो ट्राइडेंट बन के मिल के एक स्क्वायर साइन बना रही है, जो दिखाती है प्रॉपर्टी भी इनकी बहुत ज़्यादा होगी है और आगे चल के भी ज़रूर होगी। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, ये स्क्वायर की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। सैटर्न में क्या हो रही है, सैटर्न में ये जो छोटी छोटी लाइन, यहाँ पे कोई ख़राब इंडिकेशन या ख़राब साइन हमें नहीं दिख रही है, बस एक वेवी लाइन है इस तरह से, और बहुत कुछ ख़राब साइन नहीं रहती है, नहीं मिल रही है अभी। यहाँ पे अगर ख़राब साइन दिख जाए, जॉब साइन हो या फिर कोई नेट साइन हो या फिर सनी का इस तरह का बलाए हो, कुछ भी तरह से अगर ख़राब साइन दिखे तो उन लोगों की लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होने के चांसेस है, होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये हल्की हल्की लाइन के सिवा और बहुत कुछ नहीं दिख रही है, तो ये छोटी मोटी डिफेक्ट है। आपकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कभी भी नहीं देगी आपको, आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे। लाइफ लाइन में जब भी हम लोगों को पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगी वहीं से आप लोग, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है आपकी जो है। अगर सैटर्न में कोई ख़राब इंडिकेशन साइन होती, कुछ भी ख़राब साइन होती, तो आपकी वो नॉन क्यूरेबल डिजीज़ होती और वो सुधारना या ठीक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी हो जाती, लेकिन उस तरह से नहीं है, ठीक ज़रूर हो जाएगी। उसके हम लोग देखेंगे किस तरह से वो ठीक होते हैं। जुपिटर माउंट आपकी बहुत ही बेहतरीन है, आपकी फिंगर थोड़ी छोटी थी लेकिन जुपिटर माउंट आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जुपिटर माउंट पावरफुल होने के कारण क्या होती है, इन लोगों को हाई सक्सेस मिलती है, ये लोग खाने के शौकीन होते हैं, ये लोग लोगों को रिस्पेक्ट अच्छी तरह से दे पाते हैं। अगर हार्ट लाइन इस तरह से इनकी जुपिटर माउंट में आ रही है तो ये सोशल वर्क करना चाहते हैं, उसमें भी ये कर सकते हैं। लोगों को पैसे देके ये ठगे जाते हैं, लोग इनके पास हेल्प मांगने आ जाते हैं तो ये लोग उनको ठुकरा नहीं पाते हैं और उसी चक्कर में इन लोगों का फिनेंशियली नुकसान भी हो जाती है। सलमन रिंग भी है यहाँ पे, तो इसके कारण इनको पामिस्ट्री सब्जेक्ट भैया एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट कोई भी इस तरह का जो मिस्टिक साइंस है उसमें इनकी इंटरेस्ट रहती है, धर्म के प्रति निष्ठा रहती है, अपने कामों के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा रहती है, काम को ही ये अपने धर्म मानते हैं, इस तरीके का नेचर वाले ये रहते हैं। यहाँ पे लाइफ लाइन से आने वाली एम्बिशन लाइन भी है, एम्बिशन अच्छी खासी रहेगी
और सक्सेस भी मिलेगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे है। मार्स माउंट कैसी है? बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा मार्स माउंट हमें पावरफुल दिख रही है। तो आप फील्ड में वह काम बहुत बेहतरीन तरीके से कार कर पाएंगे। प्रॉपर्टी लेके अगर डील करते हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आपकी अगर मार्स और वेनस माउंट को हम जगह मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा जगह मिली है, और इस इतनी ज़्यादा जगह मिलने के कारण आप में लाइफ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी मून माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल सी है। फॉरेन जाने के चांस या बाहर घूमने जाने के चांसेस अब भी आपके पाम में हैं। एक तो फेथ लाइन यहीं से शुरू हो रही है और लाइफ लाइन का एंडिंग पार्ट भी आपकी मून माउंट में है। तो ये इसके कारण आप अगर बाहर घूमना जाना चाहते हैं या फिर काम के लिए जाना चाहते हैं तो फॉरेन का कनेक्शन की आपकी पाम में है। आपकी अगर ओवरऑल पाम को देखूं तो ये बहुत ही बड़ा और स्क्वायर शेप के पाम है, और इस पाम में टोटली मान से भरा हुआ है। तो अगर स्क्वायर शेप के पाम हैं तो मेहनती होते हैं। अगर उसमें मांस भरी हुई हो जिससे जैसे आपके पाम में है तो ये कंफर्म करते हैं कि यार ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और मेहनत से अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। जब तक कि ना इनको सक्सेस मिल जाए ये मेहनत कर लेते हैं। सक्सेस अचीव करने के बाद भी ये मेहनत से कभी भी हारते नहीं हैं या फिर पीछे नहीं झुकते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न रहती है ऐसे पाम वाले के सक्सेस होने के, कि ये मेहनत से सक्सेस करते हैं। जब तक कि ना सक्सेस मिल जाए ये हाल नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह से इसलिए ऐसे पाम वाले को सक्सेस बहुत बड़ा और ज़्यादा मिलती है। ऊपर का माउंट का अगर जगह देखें, अगर ओवरऑल तो वो भी बहुत अच्छी खासी बड़ी जगह मिली है। ऊपर का माउंट का जगह अच्छा मिलना, सारे के सारे मेन लाइन को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये क्लियर है, मोटी है, थोड़ी मोटी है। इसके कारण ये मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत भी इनको काम में करना पड़ता है, इसके लिए ये लाइन मोटी है। लेकिन मोटी उस तरह से रिजल्ट देगी, लेकिन ऊपर का जगह इतनी ज़्यादा मिलना, ये सारे लाइन मेन लाइन को इतनी ज़्यादा क्लियर होना, सन माउंट में दो दो फिश साइन का होना, ये सारे इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेहतर रहेगा। अमीरों में गिने ज़रूर जाएंगे आप। आफ्टर 50 आपकी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगी, इसकी इंडिकेशन आपकी पाम से ओवरऑल हमें मिल रही है। अभी हम लोग आपकी लाइन की ओर जाएंगे और लाइन की एनालिसिस करेंगे। हार्ट की लाइन हम लोग पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं। अगर माइन लाइन को देखें तो माइन लाइन इस तरह से चल के इस तरह से जा रही है, बहुत ज़्यादा कुछ कोण नहीं बना रही है, हल्की सी ड्रॉप डाउन है। और यहाँ पे अगर वेनस माउंट को देखें तो यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ खराब साइन नहीं दिख रही है, एक अच्छी सी जॉबनुमा फॉर्मेशन दिख रही है। ये दिखाती है लग्जरियस इनकम। वेनस माउंट में अगर इस तरह का साइन बन जाए तो आपकी एक सवाल थी कि आप क्या अगर शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आप पैसे कमा पाएंगे कि नहीं। तो आप ज़रूर कमा पाएंगे, उसकी इंडिकेशन एक तो आपकी सन की फिंगर से ही हम लोगों को पता चल गई थी कि आप लोगों को एक्साइटमेंट वाला काम चाहिए, रिस्की काम चाहिए तो ही आपको अच्छी लगती है, नहीं तो बोरियत फील करते हैं। तो उस तरीके का काम करने में सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा उसका हम लोग फेथ लाइन से जब जब मैं कहूँगा कि अच्छा टाइम, उस टाइम पीरियड में ही आपको मिलेगा। तो उस टाइम का कैलकुलेशन याद रखिएगा, जब आपकी अच्छी टाइम आएगी उसी टाइम में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कीजिएगा, उससे पहले नहीं। लाइफ लाइन में आपकी अगर देखें तो बहुत सारे इस पाम से नहीं देखेंगे, ये टेरा है तो सीधी पाम ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग एज बहुत ही एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से आपकी लाइफ लाइन चल रही है, और यहाँ पे एक दो तीन चार, ये करीब करीब आपकी जो दिख रही है हमें असेंडिंग लाइन आपकी पाम में है। एक करीब करीब जो थी आपकी, जो मुझे लग रही है 36-37 के करीब होगी, एक होगी आपकी करीब 39-40 के करीब जो बीत चुकी है ये दो, और एक आने वाली है 43-44 और एक 45-46 और आखिरी में जो मार्करी लाइन निकल रही है 55 के करीब। तो ये सारे आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देगी, ये आपकी असेंडिंग लाइन है। इस एज पीरियड में आपकी मन की कुछ ना कुछ इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी, वो आपकी फिनेंशियल से जुड़ी हुई रह सकती है। आप कुछ अगर एसेट बनाना चाहते हैं तो उस तरह से बना सकते हैं, उस टाइम पीरियड में जो बीत चुकी है उसमें कुछ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली ज़रूर होगी। उसमें आप बिज़नेस में सक्सेस हुआ होगा, जॉब में सक्सेस हुआ होगा, या फिर नया कोई काम धंधा आप शुरू किया हुआ
होगा या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कुछ भी अच्छी जो आपकी मन की इच्छा थी उस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा चाहते थे वो आपको मिली ज़रूर होगी, उसकी इंडिकेशन हमें वहाँ से मिल रही है। और आगे चल के जो एज बोला है वहाँ पे भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी फेथ लाइन को देखें तो क्या दिख रही है कि करीब करीब आपकी फेथ लाइन अर्ली एज से तो शुरू नहीं हुई, तो आपको ग्रैंड सक्सेस तो अर्ली एज में ही नहीं मिली। आपकी करीब करीब ये 28-29 ईयर्स एज है जहाँ से हम लोगों की फेथ लाइन की हल्की सी आभा दिख रही है कि ये फेथ लाइन चल रही है, वहाँ से आपकी करियर की शुरू होने के चांसेस दिख रही है या फिर करियर पहले से शुरू हो चुकी थी वहाँ पे जाके आपको सक्सेस मिलने लगी थी। करीब करीब 30 ईयर्स एज होगी जहाँ पे आप लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, वहाँ से लेके आपकी सक्सेस बहुत ही ज़्यादा चल रही है करीब करीब यहाँ तक 40-41 तक जो आपकी अभी की एज पीरियड है, अभी तक आपकी सक्सेस बिल्कुल थी, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में थी ये कंडीशन में ये फेथ लाइन। उसके बाद क्या हो रही है, करीब करीब 1.5-2 साल तक आपकी फेथ लाइन म्यूट बना हुआ है, थोड़ी हल्की है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हल्की है। तो इस टाइम पीरियड से आपकी सिर्फ 6 महीना बीता है, अभी भी एक साल आप समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आप क्या क्या नहीं करेंगे, इस टाइम पीरियड में आप नया कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल नहीं, अपने बिजनेस में भी नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, या अपने जॉब जो करते हैं, काम जो करते हैं उसमें कभी भी फिनेंशियल बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली कोई भी काम 1-1.5 साल तक तो मत कीजिएगा। अगर घर का कोई एक्सपेंसेस है जहाँ से आप एसेट बना पाते हैं, एसेट बनेगा आपका, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसे ज़रूर कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप वहाँ पर जाके अपनी फिनेंस को इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी अपना काम दिखाएगी कि आपके हाथ से पैसे चले जा रहे हैं, ये भी अपना काम करेगा, आपके पास जो पैसे हैं वो जा रहे हैं, और एक आपका एसेट भी हो जाएगा, तो ये भी अपना काम कर पाएगी और आपका कुछ एसेट भी हो जाएगा। तो उस तरीके का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पीरियड में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। लेकिन इसी जगह में अगर हम लोग देखें तो एक जगह देखिए, मैं यहाँ पे जहाँ पे एरो कर रहा हूँ वहाँ पे एक डॉट जैसी दिख रही है साइन, बेसिकली ये है कि नहीं मुझे पता नहीं है, इमेज में तो इतनी ज़्यादा मैं श्योरिटी से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर ऐसी स्पॉट जैसी फॉर्मेशन है तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा फिनेंशियल नुकसान होने के चांसेस है, एक झटके में एक बड़ा नुकसान। तो उसके बारे में आप प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा, एक झटके में एक बड़ा नुकसान अगर हो चुका है तो ये साइन तो इसने अपना काम कर चुका है, लेकिन एक ही झटके में अगर इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो उसके लिए सावधान ज़रूर रहिएगा। तो 1-1.5 साल तक आपका कुछ नॉर्मल सी जाएगी, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी फेथ लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो उसके बाद आप चाहे तो उस टाइम पीरियड में आप शेयर मार्केट में काम ज़रूर कर सकते हैं, उसमें आपको हानि नहीं होगी क्योंकि आपकी तब तक आपकी सन की जो लाइन है वो भी एक्टिव होने लगेगी और फेथ लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ ले रही है। उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगी, उसके साथ सपोर्ट देने वाली और एक फेथ लाइन यहाँ से उठ रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो ये सारे जो लाइन आ रही है ये भी अलग से सपोर्ट देगी, ये मल्टीपल कैरियर भी दे सकती है आपके, आप 2-3 तरीके का उस टाइम पीरियड में बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप काम तब कर सकते हैं, तब जाके आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, मैं दूसरी पाम में चलती हूँ, मैंने यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपको जो यहाँ पे फेथ लाइन की इस पार्ट में है, यहाँ पे एक फिशनुमा फॉर्मेशन है इस तरीके से, यहाँ पे हम लोगों को बहुत हल्की दिखेगी, देखूँ मैं स्ट्रेच करूँ आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखेगी, लेकिन दूसरी जब भी हम इस पाम में आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे भी नहीं, दूसरी पाम में, एक पाम में मैंने देखा था, एक मिनट, इस पाम में हमें क्लियरली दिख रही है वो साइन, देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली वो साइन दिख रही है कि इनकी सैटर्न की यहाँ पे ये फिश साइन बन रही है। तो ये लाइन टोटली जहाँ से इनकी शुरू हुई, ये लाइन करीब करीब 28-27-28 से, और जब से इन्होंने कैरियर शुरू किया है तभी से इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिया हुआ है
और ये जो है मेन लाइन में बना हुआ है, मतलब मेन लाइन जहाँ से शुरू होगी उनको बेहतरीन सक्सेस देगी। तो इसी के कारण इनको अच्छी खासी सक्सेस भी मिली हुई है ज़िंदगी में। ये फिश साइन अगर फेथ लाइन के शुरुआत में आखिर में हो जाए या फिर शुरुआत में भी हो जाए तो उनको सक्सेस ज़रूर दिलाती है, लाइन जब से शुरू होती है तभी से। और ये माउंट में नहीं है तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस आगे भी देगी। बस ये करंट पीरियड में आपकी फेथ लाइन में थोड़ी सी खराबी होने के कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आगे चल के वो प्रॉब्लम भी दूर होता हुआ दिख रही है। यहाँ इस पाम से भी आपको फिश साइन क्लियरली दिखेगी, हल्की सी है लेकिन क्लियर सी दिखेगी। अभी आपकी मेन जो प्रॉब्लम है उसकी ओर जाते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, एक तो हमें सैटर्न माउंट से मिल रही है कि बहुत ज़्यादा कुछ सैटर्न माउंट में प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी लाइन है, ये धन रेखा तो नहीं है, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये सारे लाइन आपकी हेल्थ में। ये इस तरह से अगर फॉर्मेशन बनती है किसी माउंट में तो खराब साइन ही मानी जाती है। तो ये भी छोटी है, बहुत ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये ठीक भी ज़रूर हो जाएगी। कब ठीक होगी? लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन निकल रही थी करीब करीब 43 के करीब हम लोग देखे थे, तब आपकी एक चांस रहेगी। उस टाइम पीरियड में अगर आपको इस उसकी कोई इलाज ले रहे हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं उसके लिए, तो उस टाइम पीरियड में आपको ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड में आपको वो बीमारी ठीक ज़रूर हो सकती है। बहुत सारे छोटी छोटी हम लोग देख रहे थे कि राहु लाइन इस लाइन पाम में कट रही थी, तो वो भी एक मिनट में दिखा देता हूँ कि इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी जो राहु लाइन है वो लाइफ लाइन को कट भी रही थी, बहुत ही हल्की, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं कर पाएगी। ये सारे के पोजीशन के कारण ही आपकी अभी भी जो एज में चल रही है ये सारे राहु लाइन, ये आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम अभी ये देती रहेगी। इसकी जो टोटली ये क्लियर हो रही है करीब करीब इसी एज के करीब 42 के बाद हमें और ज़्यादा कुछ लाइफ लाइन में कटती हुई राहु लाइन नहीं दिख रही है, जो थी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, ये सारे भी गुजर रही है। तो आपकी हेल्थ में सुधार तो ज़रूर आएगी, हेल्थ में सुधार आपकी ज़रूर आएगी, एक डेढ़ साल के अंदर ही ज़रूर आ जाएगी। और जो है आप चाहते हैं कि आपका जो और एक प्रॉब्लम है कि अभी आपकी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आती है, देखिए स्क्वायर साइज़ के पाम में नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है लेकिन रहती नहीं है, क्योंकि ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। अगर आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो उसके कारण आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग आनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मून की तरफ झुक रही है। मून की तरफ झुकती हुई अगर माइंड लाइन रहे और वो लोग थोड़ी बहुत भी मायूसी हो या फिर किसी भी तरह का नेगेटिव काम काज उनके साथ हो जाए या फिर किसी भी तरह का सक्सेस हो अचीव कर ना सके, तो उन लोगों को नेगेटिव थिंकिंग डिप्रेशन में ये चले जाते हैं जिन लोगों की माइंड लाइन नीचे की तरफ झुकी हुई है। आपकी भी माइंड लाइन उस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई है तो आना पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर साइज़ के पाम है, बहुत ही बड़ा पाम है आपकी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट नहीं कर पाएगी। आपकी पाम में और एक साइन है, एक स्पोर्ट्स लाइन है। देखिए स्पोर्ट्स लाइन का होना ये दिखाती है कि आप में हमेशा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। मार्स माउंट भी काफ़ी पावरफुल है, वेनस माउंट भी पावरफुल है, दोनों के दोनों मार्स माउंट पावरफुल होना, वेनस माउंट पावरफुल होना, ये इंडिकेशन तो कराती है कि आप में स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी तरह का स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपके मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा, क्योंकि आपको फिजिकल पाम है, फिजिकल कामकाज में ही बिजी रहने में ही आपको अच्छी लगेगी। तो उस तरीके का काम अगर आप करते हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करते हैं, कोई खेल में आप चले जाते हैं जो खेल में आपको अच्छा लगता है, डॉक्टर से ज़रा सलाह ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके बैक में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है होगी, तो कुछ ना कुछ जो बहुत सारे एक्सरसाइज होगी या फिर स्पोर्ट्स होगी जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, तो उस चीज़ को छोड़ के जो सारे स्पोर्ट्स आप कर पाते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। उसमें आपको इसके कारण आपकी जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो दूर होता जाएगा। अगर जिम कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगी, अगर उसके लिए आपको पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैक प्रॉब्लम में जनरली हाई वेट जो जिम होती है वो उसे अलाउ नहीं करते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो जिम ज़रूर कीजिएगा। फिजिकल कामकाज में जितनी ज़्यादा रहेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, मेडिटेशन में आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगी। आप मेडिटेशन करेंगे उसमें मैं कहूँगा कि मेडिटेशन कीजिएगा, उससे आपकी स्ट्रेस दूर होगी, नहीं होगी। आपकी इतनी बड़ी पाम में मेडिटेशन आपको उस तरीके का स्ट्रेस जो है वो
दूर नहीं करवा पाएगी। आपको फिजिकल एक्टिविटी आप जितना ज़्यादा करेंगे उसमें आपको स्ट्रेस दूर होगी। देखिएगा जब भी आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप मिला के देखिए अपने आप से, जब ज़्यादा बहुत टाइम आपको नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन काम में आप लोग चले जाते हैं, तब आप लोग बहुत अच्छी रहते हैं। तो उस तरीके का काम खेलकूद में जाना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आपकी ये जो मूड रहेगा उसमें आपको मूड हमेशा ठीक रहेगा। तो आपकी जो सवाल थी सारे, वो उसका जवाब तो लगभग हम लोग दे चुके हैं, आपके ओवरऑल पाम की भी एनालिसिस कर चुके हैं। तो ये सारा चीज़ कीजिएगा, इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ, आपके लिए एक रेमिडी मैं बता देता हूँ, अगर हो सके तो कभी भी आप पोखरा ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि आपकी ये छोटी फिंगर है इंडेक्स, ये आपको उसमें मदद करेगी। अगर आप पोखराज पहनते हैं तो आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, आप लोगों को सक्सेस जो डिज़ायर्ड सक्सेस है वो मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको वैसे भी आपको डिज़ायर्ड सक्सेस मेहनत के बाद मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इंडिकेशन है, लेकिन अगर आप लोग पोखराज पहनते हैं तो उसमें आपको जाने के लिए उस चीज़ को अचीव करने में ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल नहीं करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो पोखराज पहनिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। 4-5 रति का आप एक अच्छी क्वालिटी का पोखराज सोने में इस उंगली में आप ले लीजिएगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं, आगे एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर और फीस डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख के ही मुझे कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।